हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे लाइन ग्राफ के बारे में। तो पिछले वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किए थे, पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास कोई डेटा गिवन है तो उस डेटा को कैसे हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो ईजिली अंडरस्टूड हो। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम बार ग्राफ का यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं, और पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था हमने, पाई चार्ट और पाई डायग्राम। पाई चार्ट में हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपोनेंट वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको एक सर्कल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक स्टैटिस्टिकल डेटा को एक सर्कल के अंदर या पाई डायग्राम के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो वहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, पिछले टॉपिक के भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो एक काम करते हैं, 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में था, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स में 3 क्वेश्चन जो कि किससे रिलेटेड थे, पाई डायग्राम से, और वो हमने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था। तो आज हम क्या करेंगे, पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है, दैट इज लाइन ग्राफ। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं जाके आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो को देख रहे हो तो स्टार्टिंग के वीडियो से अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो ही आपको हर चीज़ क्लियर होगी और इजीली हर चीज़ आपको समझ में आएगी। और दूसरी बात, नोट्स बनाते हुए चलना है, हर लेक्चर में रिपीट करता हूँ, लेक्चर स्टार्टिंग से देखो, हर एक लेक्चर को कंटिन्यू देखो, किसी भी पॉइंट को मिस मत करो और नोट्स बनाते हुए चलो। जहाँ भी डाउट आ रहा है आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले होमवर्क से स्टार्ट करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर फोर ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये किससे रिलेटेड है, पाई चार्ट और पाई डायग्राम से। इन अ पाई चार्ट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ऑल इट्स कॉम्पोनेंट। अगर एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट मतलब ये सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, या इसे हम पाई डायग्राम कह सकते हैं। अगर इसके हर एक कंपोनेंट का एंगल निकालो, तो मैंने आपको क्या था, हर एक कंपोनेंट का अगर एंगल हो तो ये कितना एंगल होता है, टोटल 360 डिग्री, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर 360 डिग्री, कि अगर मैं जितने भी कंपोनेंट है हर एक कंपोनेंट के एंगल का अगर सम करता हूँ तो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अ पाई चार्ट, मतलब कोई एक पाई चार्ट है, सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट 120 डिग्री। अच्छा, सेंट्रल एंगल आपको पता होगा, एक सर्कल है, जैसे ये जो यहाँ पे एंगल बनता है उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, मतलब उसके सेंटर पे, ये सपोज ओरिजिन को, ये ओरिजिन है, यहाँ से मैं एक फिक्स रेडियस का एक सर्कल बना रहा हूँ, तो जो भी एंगल बनेगा वो यहाँ पे सेंटर में बनता है, इसके लिए बोलते हैं उसको सेंट्रल एंगल। बट मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिन लेके एक डायग्राम बनाता हूँ, और ओरिजिन हमारा क्या है, सेंटर है, और ये सपोज हमारे पास एंगल, ये मैं एंगल को समझाने के लिए इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, बट तुम लोगों को क्या ड्रॉ करना है, सिर्फ सर्कल ड्रॉ करना है या पाई डायग्राम, एक्सिस ड्रॉ नहीं करना। अब ये कह रहा है, एक पाई चार्ट है जिसका सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट 120 व्हेन द टोटल वैल्यू इज 360। अच्छा, क्वेश्चन सिंपल है, टोटल वैल्यू 360 की बने और उसमें कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 120, तो उसका एंगल क्या होगा। अच्छा, एक बात बताओ, जब कंपोनेंट और वैल्यू सेम हो जाए तो जितना एंगल होगा, यानी कि जितनी डिग्री होगी उतना उसका कंपोनेंट वैल्यू होगा। तो अगर कंपोनेंट वैल्यू 120 है तो डिग्री भी कितना होगा, 120 होगा। बट अगर हमको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था, हमको डिग्री कैलकुलेट करना है, इन अ पाई चार्ट सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना है, मतलब थीटा या फिर एंगल कैलकुलेट करना है। थीटा इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू, कंपोनेंट वैल्यू कितना कह रहा है, 120, अपॉन टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना है, 360, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, 360 डिग्री। अब आप बोलोगे ये 360, ये 360 कैंसिल, डिग्री यहाँ पे सॉल्व करते समय नहीं लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 120, क्योंकि कंपोनेंट वैल्यू, टोटल कंपोनेंट वैल्यू और जो डिग्री होती है टोटल एक पाई चार्ट के अंदर वो सेम है, तो जितना कंपोनेंट का वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा, एंगल। तो देयरफॉर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 120। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पाई चार्ट द सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट इज अ 108 डिग्री। सेंट्रल एंगल गिवन है,
एंड इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू भी गिवन है, कितना है 24. देन द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा, तो डेटा का जो टोटल वैल्यू कितना होगा ये कैलकुलेट करना है. तो आपको पता होना चाहिए एंगल का जो फॉर्मूला होता है, कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360, ये हो गया फॉर्मूला. अरे रेट से लिखते हैं तो दिखेगा ठीक से. कंपोनेंट वैल्यू थीटा या फिर एंगल, कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360. तो अगर टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना, इसको ये साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू कंपोनेंट वैल्यू, अब ये थीटा को ये साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में इनटू 360. अब वैल्यू पुट कर दो, कंपोनेंट वैल्यू गिवन है कितना, कंपोनेंट वैल्यू है 24, एंगल कितना है 108 डिग्री और 360. तो देयरफोर जो अपने पास टोटल वैल्यू आ जाएगा, कंपोनेंट वैल्यू इज 24, डिग्री इज 108 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 360 से, 36 थ्री जा, इसको 36 × 10 लिख सकता हूँ, तो 36 × 3 जा कितना होता है 108, 3 × 1 = 38 जा, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0, मतलब 8 × 10 = 80. तो टोटल वैल्यू अगर 80 है तब 24 वैल्यू की डिग्री जो होगी वो कितना होगा 108 डिग्री. मतलब एक एंगल 360 का ये पाई चार्ट है और मेरा टोटल वैल्यू अगर 80 है और एक कंपोनेंट वैल्यू है जो कितना है 24, तो अगर 80 को मैं इस 360 डिग्री को 80 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 24 का कितना एंगल बनने वाला है, तो वो कुछ 108 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल, क्योंकि ये 90 है उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये जो डिग्री होगा वो कितना होगा 108 और ये कंपोनेंट वैल्यू कितनी होगी इसकी 24, जब टोटल वैल्यू क्या है 80. इसका मतलब ये होता है कि पूरे 360 को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 80 पार्ट्स में. तो ऐसे अगर मैं वो 80 में से 20 पार्ट्स लूंगा तो वो कितने एंगल होंगे 108 डिग्री. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज लाइन ग्राफ. अच्छा एक चीज़ है, करेंट में जो मॉडर्न टेक्निक है जो स्टैटिस्टिशियन यूज करते हैं, करेंट के टाइम में जो सबसे एडवांस है वो है लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ का मोस्टली यूज़ किया जाता है. अगर क्रिकेट आपका फेवरेट है, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो या फिर कोई भी क्रिकेट मैच या फिर जो भी आप देखते हो, टेनिस मैच हो या फुटबॉल मैच, वहाँ पे जो यूज़ करते हैं ना स्टैट्स को दिखाने के लिए, वो मोस्टली ग्राफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्राफिकल से जितना हमें अच्छे समझ में आता है और वो पूरी चीज़ें क्लियर कर देता है एकदम पॉइंट टू पॉइंट. टेबल का भी गिवन होते हैं, देखो क्रिकेट का रिकॉर्ड भी गिवन होता है टेबल के फॉर्म में कि किस बैट्समैन ने कितना स्कोर किया है, कितने रन बनाए हैं, कितने, वो एक तो वो डेटा. उसके बाद आता है एक लाइन वाला ग्राफ जिसमें ग्राफिकल मेथड, वो आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आपने, आपको इतने अच्छे से पता नहीं है. तो एक काम करो, लाइन ग्राफ को बहुत ही ध्यान से देखो क्योंकि इसका बहुत यूज़ होने वाला है. जब आप डेरिवेटिव पढ़ोगे, फंक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग. तो ये तो बेसिक है स्टैट्स के लिए, हालांकि वो और भी एडवांस हो जाता है जो हम फंक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन उसका बेसिक जो है यही समझ जाओ कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, कैसे हम एक लाइन ग्राफ को प्लॉट करते हैं. ठीक है, क्योंकि इसका जो रिसर्च में, अगर आप रिसर्च में भी जा रहे हो तो जो ग्राफ का यूज़ करते हो मोस्टली किसका यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिशियन लोग, वो हमेशा इसी ग्राफ का यूज़ करते हैं, लाइन ग्राफ का, जो कि एडवांस टेक्निक माना जाता है. एडवांस मेथड में हम लोग ग्राफिकल मेथड का ही यूज़ करते हैं. लाइन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन अ टेबल रिलेटेड टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, जब हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना चाहते हैं, टेक एवरी वैल्यू एक्स एंड करिस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू एज अ डिफरेंट पॉइंट. यानी कि दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं और दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, अगर मैं एक्स के पॉइंट को चेंज करूँ उसके रिस्पेक्ट में कुछ वाई चेंज हो, अगर मैं y को चेंज करूं उसके रिस्पेक्ट में कुछ x चेंज हो, ये डिपेंड करता है किसको, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. तो जब दो वेरिएबल को हमको रिप्रेजेंट करना, तो एक वेरिएबल को बेस मान के उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड वेरिएबल को हम चेंज करते हैं, मतलब एक वेरिएबल के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें सेकेंड वेरिएबल के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिले, तो
तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें बेस पे एक वेरिएबल की वैल्यू और उसके रिस्पेक्ट में जो सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी उसको y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो वो जो प्लॉट करेंगे फिर हर एक पॉइंट को हम क्या करते हैं, स्मूथली उसको मतलब ज्वाइन कर देते हैं, तो जो ग्राफ बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ। तो पढ़ो एक बार, व्हेन अ टेबल रिलेटेड टू वेरिएबल, जब कोई टेबल मतलब ऐसा टेबल गिवन हो और वो किसी दो वेरिएबल x और y को रिलेट कर रहा है, टेक एवरी x वैल्यू कि जितने भी x की वैल्यू लूँ तो डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर मुझे उसकी y की करिस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है तो हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ऑब्टेंड पॉइंट्स। तो जो पॉइंट मिल रहा है x और उसके रिस्पेक्ट में y की पॉइंट कहाँ पे, ग्राफ पेपर पे, और ज्वाइन कर देंगे उन सारे पॉइंट को बाय मीन्स ऑफ लाइन। किससे ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन से। तो जो ग्राफ मिलेगी ना उसी को हम कहते हैं लाइन ग्राफ, यानी हर दो पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से, तो जो एक नई ग्राफ मिलेगी उसे हम कहते हैं लाइन ग्राफ। आगे चल के हम लोग जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे स्मूथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लाइन ग्राफ पढ़ रहे हैं, यानी कि हर दो पॉइंट को एक लाइन से क्या करो, ज्वाइन कर दो। तो वो जो ग्राफ मिलता है हमको उसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। देखते हैं एक एग्जाम्पल्स की मदद से। एग्जाम्पल ये है कि नंबर ऑफ रन्स गिवन बाय अ बॉलर, आपका बेस्ट मतलब फेवरेट एग्जाम्पल क्रिकेट से है कि द नंबर ऑफ रन्स गिवन बाय अ बॉलर इन वन डे मैच इन 10 ओवर्स इज गिवन बिलो, ड्रॉ द लाइन ग्राफ ऑफ द गिवन डेटा। मतलब आगे डेटा गिवन होगा जिसमें ये होगा, जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते हो ठीक है, पावर प्ले पता होगा आपको, स्टार्टिंग के 10 ओवर को पावर प्ले कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे वनडे में स्टार्टिंग का 10 ओवर पावर प्ले होता है, बाद में भी रहता है बट जो पहला पावर प्ले रहता है वो स्टार्टिंग के 10 ओवर तक रहते हैं। स्टार्टिंग के 10 ओवर पावर प्ले चलता है मतलब सारे जो प्लेयर होंगे वो जो 330 यार्ड्स रहता है उसके अंदर ही रहते हैं ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, यहां पे लिखो कितने ओवर्स हैं, फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, पावर प्ले में कितने 10 ओवर्स रहते हैं, तो फर्स्ट ओवर में बॉलर ने कितने रन खर्च किए, सपोज फर्स्ट ओवर में बॉलर ने दे दिए 4 रन, सेकेंड ओवर में 3 रन, इसी का ग्राफ बनाना, ऐसे ही डेटा गिवन है। ये देखो ये ओवर्स हैं और ये उस ओवर्स में कितने नंबर ऑफ रन है, फर्स्ट ओवर में कितना नंबर और कितने रन बनाए, 2 रन, सेकेंड ओवर में कितने रन, 8 रन, थर्ड ओवर में 5 रन, फोर्थ ओवर में 10 रन, फिफ्थ ओवर में 4, सिक्स्थ ओवर में 7, सेवन्थ ओवर में 20, एट ओवर में 12, नाइन्थ ओवर में 7 और 10 ओवर में 11। इससे हम लोग ये भी बताते हैं कि कौन सा सबसे महंगा ओवर हुआ, सबसे महंगा ओवर, सबसे एक्सपेंसिव ओवर कौन सा था, सेवन्थ ओवर, क्योंकि सेवन्थ ओवर में सबसे ज़्यादा रन आए। सेकेंड, सबसे बोलते ना सबसे किफायती गेंदबाज, तो सबसे सबसे कम बोलते हैं लोवेस्ट रन किस कौन से ओवर में गया, तो आप बोलोगे फर्स्ट ओवर, फर्स्ट ओवर में सबसे लोवेस्ट स्कोर हुआ है सिर्फ 2 रन, जबकि सबसे एक्सपेंसिव ओवर कौन सा था हमारा, 7 ओवर, सबसे महंगा ओवर, सबसे ज़्यादा रन किस में गए, सेवन्थ ओवर में। तो ये आपको समझ में आ गया, फर्स्ट ओवर में बने 2 रन और सेवन्थ ओवर में बने टोटल 20 रन। तो इस तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हो, अब ध्यान से सुनना, बट मोस्टली आपको ऐसे टेबल में गिवन नहीं होता, उसमें कुछ ऐसे गिवन रहते हैं मतलब ग्राफिकल मेथड से दिया रहता है, तो हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे ओवर चेंज करेंगे, फर्स्ट ओवर में कितने रन आए उसका हाइट पे यहां पॉइंट पुट कर देंगे, सेकेंड ओवर में कितने रन बने उसको पॉइंट, कितने ओवर बने, कितने रन बने थर्ड पॉइंट, फोर्थ ओवर में कितने रन बने फोर्थ पॉइंट। अब ऐसे इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे ठीक है। तो जो ग्राफ बनता है ऐसे ऐसे जो भी ग्राफ बनेगा उसी को हम कहते हैं लाइन ग्राफ। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो ड्रॉ द लाइन ग्राफ, अब उसका रूल क्या है पहले वो देख लो। अगर हमको एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, मार्क ओवर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, तो जो ओवर्स हैं उनको एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करना है, मार्क करना है, जबकि नंबर ऑफ रन्स जितने भी रन बने हैं उनको किसके अलोंग करना है, y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पे हमको रन लिखना है, x एक्सिस पे ओवर्स लिखने हैं। ये आपके सामने ग्राफ हो गया।
अब ओवर के लिए कितना दे देंगे 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे। ये देखो, ये आपको पहले आपको स्केल बनाना होता है कि किस सेंटीमीटर को हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को हम बोल रहे हैं कि वो 1 ओवर है, जबकि वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 2 रन बता रहे हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना रन है, 2 रन। 1 सेंटीमीटर का मतलब 2 रन, 2 सेंटीमीटर 4, 3 सेंटीमीटर 6। तो सबसे पहला काम आपको स्केल बताना होता है। एक्स एक्सिस पे ओवर्स हैं, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ रन्स है। फर्स्ट ओवर में कितने रन बने थे, फर्स्ट ओवर में 2 रन बने थे, सेकेंड ओवर में 4 रन बने थे, अरे 8 रन। थर्ड ओवर में कितने रन बने थे, देखो यहाँ पे, ये कहीं यहाँ 6 आ रहा है। फोर्थ ओवर आप चेक कर सकते हो टेबल में, फोर्थ ओवर में कितने रन बने थे, देखो ये 10 के सामने दिख रहा है, 10 या 10 से ज़्यादा है। और उसके बाद फिफ्थ ओवर में कितने बने थे, ये 4 के सामने जा रहा है। फिर उसके बाद सिक्स्थ ओवर में आई थिंक 7 या 8 के बीच में 6 है। ये आप देखो, अगर ग्राफ से आप स्केल से ड्रॉ करोगे आपको समझ में आएगा। एक बार देख लेते हैं, सब ऑड है या इवन है, नहीं नहीं 2, 8, 5, 7 और 7, 11 भी है, मतलब बीच में भी पॉइंट आ रही है, ठीक है। तो सारे मिडल में भी हैं। तो ये आप डेटा को क्या किया मैंने, फर्स्ट को 1 ओवर में कितने रन बने उसको यहाँ पॉइंट कर दिया, 2 ओवर में कितने बने यहाँ पॉइंट कर दिया, 3 ओवर में कितने रन बने यहाँ पॉइंट। इस तरीके से सारे पॉइंट को पहले आप यहाँ पर डॉट डॉट करके लिख दो, उसके बाद हर पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ऐड कर दो, हर पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करो, तो क्या बन गया, ये एक ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं लाइन ग्राफ। तो आई होप सबसे सिंपल है लाइन ग्राफ, और इससे हमको इजीली अंडरस्टूड हो जाता है। जैसे मैं ग्राफ देखूंगा, अब ध्यान दो, अब इसके बाद से अगर आप कभी भी क्रिकेट मैच या कोई भी मैच देखो और अगर उसमें इस तरीके से ग्राफ है और आपको चेक करना है कि 7th ओवर में कितने रन बने, तो आप क्या करोगे, ये 7th ओवर है, यहां से एक लाइन खींचोगे, अरे ये 7th ओवर, और यहां पे जो भी ऐसा करना है इसको इंटरसेक्ट कर दो, ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा उतने रन बने। 9th ओवर में कितने बने, तो यहां देखो ये लाइन जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा तो इतने रन बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हो, कितने रन बने। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका मतलब सबसे ज्यादा रन कब बने, 7th ओवर में। सबसे मिनिमम रन कब बने, ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट, ये सबसे ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है, ये सबसे ग्राफ का मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट पे सबसे लोवेस्ट रन, मैक्सिमम पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट रन। ये भी चेक कर सकते हो किस 2 ओवर में सेम रन बने, तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो हर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सेम आ जाएगा आप समझ जाओगे उस पॉइंट पे सेम रन बने, ठीक है। 3 पॉइंट पे सेम देखना है, तो ऐसे हर एक पॉइंट पे ग्राफ ड्रॉ कर दो, जिस 3 पॉइंट से पास हो जाएगा समझ जाने का कि 3 पॉइंट पे सेम रन नंबर ऑफ रन बने, और जहां पे ये कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ रन्स बने, ठीक है। इस तरीके से आप लाइन ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। अब ये देखो, ये होमवर्क का क्वेश्चन है पाई डायग्राम का, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा। आई होप आपको लाइन चार्ट क्लियर हो गया होगा। लाइन चार्ट में आप क्या करना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में आप क्या करते हैं, सबसे पहला काम, दो वेरिएबल को कंपेयर किया जा रहा है, एक वेरिएबल एक्स और एक वेरिएबल वाई। एक टेबल होगी जिसमें एक्स की वैल्यू कुछ गिवन होगी और कुछ वाई की वैल्यू गिवन, दोनों को कंपेयर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू है इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे और एक स्केल लिख देंगे कि एक्स एक्सिस पे कितने नंबर ऑफ जो भी डेटा गिवन है वो कितना ले रहे हैं। सेकेंड, ऐसे वाई एक्सिस पे डिनोट कर देंगे, किसको, y की वैल्यू को, और उसके बाद x के लिए y कितना आ रहा है, पॉइंट। सेकेंड x के लिए y कितना आ रहा है, पॉइंट। थर्ड x के लिए कितना y आ रहा है, पॉइंट। फिर हर एक दो पॉइंट को एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो जो हमें एक डायग्राम मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ। लाइन को ज्वाइन करके हम लोग क्या बना रहे, ग्राफ बना रहे, इसके लिए इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इस तरीके से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ग्राफ। अब क्वेश्चन देखो, इन अ पाई चार्ट अ कंपोनेंट इज अ रिप्रेजेंटेड एज अ सेक्टर विद एन एंगल 108 डिग्री, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट टोटली। मैंने आपको कहा था कि जब भी हमको परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूँ
तो जहां पे टोटल वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू को क्या लिख देते हैं 100। अब फॉर्मूला रिपीट करते हैं, एंगल इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360। ये कह रहा है मुझे वो कंपोनेंट वैल्यू निकालना है जिसकी डिग्री कितनी है 108 डिग्री। कंपोनेंट वैल्यू को परसेंटेज में निकालना है तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 100 360 आ गया। यही तो कैलकुलेट करना है, बट परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। इसके लिए टोटल वैल्यू क्या ले लूंगा 100, क्योंकि 100 अगर टोटल वैल्यू है तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होता है, परसेंटेज आता है। अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो जब भी हमको कंपोनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टीटा, या फिर अभी सॉल्व भी किया हम लोग, टीटा इज इक्वल टू टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 360। अब टीटा कितना गिवन है 108, टोटल वैल्यू परसेंटेज ले रहे इसके लिए 100 और डिवाइडेड बाय 360। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 36 3 यानी कि 3 × 10 30%, यानी कि 30% आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एक पाई चार्ट के अंदर अगर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया जाए एज ए सेक्टर विद, अरे एज ए सेक्टर जिसका सेक्टर एंगल जो है, मतलब एक इस तरीके से जिसका सेक्टर एंगल कितना है 108 डिग्री, तो हमको ये बताना है कि 360 में ये 108 डिग्री कितना परसेंटेज है। तो कितना परसेंटेज आप बोलोगे 30%, और क्लियर भी आपको समझ में आ जाएगा, एक परसेंटेज का मतलब होता है 3.6 डिग्री। तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा 36 डिग्री, 30% का मतलब कितना हो जाएगा 36 × 3 108 डिग्री, तो 108 डिग्री का मतलब कितना होता है 36%। तो ये चीज आपको याद रखना है कि 1 डिग्री, अरे 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपको याद रखना है। 360 डिग्री, तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा 10% इज इक्वल टू 36 डिग्री, और 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री, ये आपको याद रखना है। इसका यूज करके आप कितने भी डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ग्राफ को पढ़ना है, क्या पढ़ रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द गिवन पाई चार्ट शो द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय अ स्कूल ऑन अ वेरियस स्पोर्ट्स इन द ईयर 2015। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। ये जो पाई चार्ट आपको दिख रहा है, ये जो आपके सामने ये पाई चार्ट है, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको नीचे दिख रहा है अमाउंट ऑफ मनी है जो स्कूल अपने वेरियस स्पोर्ट्स में स्पेंड करती है, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल है, ठीक है, हमारे स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में कुछ फंड दे रहा हूँ, तो कितने फंड दिए जाते हैं वो डिग्री के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कि फुटबॉल में 45 डिग्री दिए जाते हैं, हॉकी में 100 डिग्री, टेनिस में 35 डिग्री, बास्केटबॉल में 20 डिग्री, इस तरीके से, यानी कि जो भी अमाउंट था मैं उसको 360 में बांट दूंगा, और 360 में जो 100 पार्ट है वो किसको दे दूंगा, हॉकी का, मतलब कितना भी पैसा हो, इट डजेंट मैटर कितना पैसा है। ठीक है, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 1 लाख हो, 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, मैं उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दूंगा 360, और 360 में से 100 पार्ट हॉकी को दे दूंगा, 40 पार्ट फुटबॉल को दे दूंगा, टेनिस को 30 पार्ट दे दूंगा 35, बास्केटबॉल को 20 पार्ट, और क्रिकेट को उसका 160। ठीक है, इस तरीके से मैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए अपने पास कंपोनेंट वैल्यू होना चाहिए या तो टोटल वैल्यू होना चाहिए। तो तो स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ द अमाउंट स्पेंट ऑन अ फुटबॉल वॉज ₹90,000, दैट मीन्स ये कॉम्पोनेंट वैल्यू गिवन है, कि फुटबॉल का जो कॉम्पोनेंट वैल्यू है अगर वो 9,000 हो जाए तो हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंट। देखो मोर आगे मतलब कंपेयर कर रहा है,
मतलब या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। मोर वर्ड जब भी आ जाए ना तो मतलब डिफरेंस वगैरह लेना है। वॉज स्पेंट ऑन अ हॉकी देन ऑन अ फुटबॉल। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर फुटबॉल में स्कूल वाले 9000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जितना भी इन्वेस्ट हॉकी पे किया जा रहा है, अब पहले देख लो हॉकी में फुटबॉल से ज़्यादा है या कम। क्लियरली फुटबॉल हॉकी में ज़्यादा है, इसका मतलब हॉकी में ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं क्रिकेट में, सबसे कम स्पेंड कर रहे हैं बास्केटबॉल में। अब ये कंपेयर कर रहा है हॉकी और फुटबॉल को। हॉकी में 100 डिग्री है, फुटबॉल में 45 डिग्री है, इसका मतलब 55 डिग्री ज़्यादा है। तो 55 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी, इसके लिए अपने को एक का वैल्यू पता होना चाहिए। अब एक का वैल्यू तो पता नहीं, तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन में गिवन है कि फुटबॉल का टोटल वैल्यू गिवन है। तो एक काम करते हैं, इसका यूज़ करके हम लोग टोटल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक बार टोटल वैल्यू मिल गया ना तो हम लोग हर एक का कंपोनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले देखो तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर एक जितना भी अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है फुटबॉल पे वो 9000 है, मतलब कंपोनेंट वैल्यू है। टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, और उसके बाद हॉकी का कंपोनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और हॉकी का कंपोनेंट वैल्यू मिल गया, फुटबॉल का कंपोनेंट वैल्यू मिल गया, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो सॉल्व करते पहले इसका क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन नहीं गिवन है, ठीक है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसमें सॉल्यूशन गिवन नहीं है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। तो इफ अमाउंट स्पेंट ऑन अ फुटबॉल वॉज 9000, कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमारे पास थीटा गिवन है, मतलब एंगल, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। फॉर्मूला देखो मैंने स्टार्टिंग में लिखा के दिया है, इनटू 360, ये फॉर्मूला है। एंगल अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, फुटबॉल का एंगल कितना है? 45। कंपोनेंट वैल्यू ये बता रहा है कि कितना खर्च किया जा रहा है, 9000 अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360, ठीक है। अब टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो जब टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 9000 और ये 360 और ये 45 बन जा 45 8 जा 360 होता है, क्योंकि 45 टू जा 90 और 94 जा 360, तो हर एक में 2 है तो 24 जा 8, और 8 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72, यानी कि जो स्कूल है पूरा उसका बजट कितने का है, तो 72000 का है। यानी कि यहाँ से अगर मैं टोटल बजट निकालूं, या आप ना पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो, जब मैं लिखता हूँ ना तो आप क्या किया करो, उसको नोट डाउन करते रहा करो ताकि आपका नोट्स बनते, क्योंकि इसमें स्पेस इतना रहता नहीं है, इसके लिए आप साथ साथ में नोट डाउन करो, और जो जो बोलता हूँ वो भी आपको लिखना है। कितना हो गया? टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 72000, मतलब जो बजट है स्पोर्ट्स के लिए स्कूल का वो कितना है, 72000। और 72000 में से 9000 स्पेंड कर रहे फुटबॉल में। अब हॉकी का निकालना है तो टोटल वैल्यू मिल गया तो हॉकी का निकाल सकते हैं। तो कंपोनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है हॉकी का, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो उसके एंगल्स डिग्री से, या फिर एंगल से। हॉकी का एंगल कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 360। टोटल वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया 72000 100 डिवाइडेड बाय 360, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 36 टू जा 72 मतलब 2, तो कितने जीरो बच रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 20000 खर्च किया जा रहा है। और वैसे भी ये क्लियर हो गया था क्योंकि 100% है। और जो एंगल है, अरे टोटल वैल्यू है वो 720, यानी कि 360 का डबल है, तो 100 का भी डबल कितना हो जाएगा, 200, और जो दो जीरो एक्स्ट्रा था वो ऐड कर दो, यानी कि 20000। तो जो हॉकी पे खर्च किया जा रहा है वो खर्च किया जा रहा है 20000,
फुटबॉल पे खर्च किया जा रहा है 9000 जो कि गिवन है, और दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो देयरफॉर दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना होगा डिफरेंस 20000 माइनस 9000, आंसर आ जाएगा 11000। तो ये जो 11000 है ना, इतना ज़्यादा स्पेंड करते हैं किसमें, हॉकी में, किससे, फुटबॉल से। अगर फुटबॉल से कितना ज़्यादा स्पेंड किया जाता है हॉकी पे, तो स्कूल वाले हैं वो ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, हॉकी पे, क्योंकि हॉकी पे वो लोग ने 20000 जो कि फुटबॉल के 9000 से 11000 ज़्यादा है, यानी कि मोर देन वो स्पेंड करते हैं हॉकी पे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थर्ड, इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन अ फुटबॉल वॉज रुपीज 9000, देन वॉट वॉज द टोटल अमाउंट इन स्पेंट ऑन ऑल स्पोर्ट्स। ठीक है, अभी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल चुका है, तो इसका आंसर क्या है, 72000। तो 72000 स्पेंड किया जा रहा है टोटल स्पोर्ट्स पर। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है, तो एक काम करो, हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट इससे क्या हो जाता है पता है, अगर हम 72000 टोटल निकाल रहे हैं ना, इससे बेनिफिट ये होता है कि हम टेनिस की वैल्यू निकाल सकते हैं, बास्केट वैल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, या क्रिकेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है, डायरेक्टली देख लो क्वेश्चन में क्या बोला है। ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ बाकी जितने क्वेश्चन हैं, और जब नेक्स्ट वीक में जब इसका लेक्चर होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है बार ग्राफ का, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू बार ग्राफ किए। द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द मंथली सैलरी ऑफ अ फोर मैन। चार अलग अलग आदमी हैं, उनके मंथली सैलरी कितनी है उसका बार ग्राफ गिवन है। स्टडी द ग्राफ केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर बताना है ग्राफ को रीड करने के बाद। क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले ग्राफ को स्टडी करते हैं। राकेश एक बंदा है, एक बंदा रोहित है, एक बंदा थॉमस है, एक बंदा पीटर है। ये चार बंदे हैं। फर्स्ट बंदा जो राकेश है वो कितना कमा रहा है, 12000। सेकेंड बंदा रोहित है, 20000 कमा रहा है, जबकि थॉमस जो है वो 60000 कमा रहा है, जबकि लास्ट बंदा पीटर जो कि 80000 मंथली का कमा रहा है। ये एक हो गया, हमको ये पता चल गया कि राकेश, रोहित, थॉमस, पीटर ये कितना मंथली का कमा रहे हैं, यानी कि कितनी उनकी इनकम हो रही है। अब दूसरी चीज, सबसे हाईएस्ट इनकम किसका है, सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, सबसे ज़्यादा सेठ कौन है, सबसे ज़्यादा पैसे कौन कमा रहा है, तो आप बोलोगे सर रोहित। सबसे गरीब कौन है, सबसे कम पैसा कौन कमा रहा है, तो आप बोलोगे राकेश। देखो गरीब तो कोई नहीं है क्योंकि सब कमा रहे, बट कंपेयर करेंगे तो अमीर गरीब हो सकता है, बट अगर हम लोग हटा दें तो सिंपल सी बात है कि कम ज़्यादा, इसके बेस पे हम लोग बताते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किसके डिपेंड पे कितना कौन कितना कमा रहा है। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा कमा रहा है अपना रोहित, सबसे ज़्यादा पैसे वाला। सबसे कम पैसे वाला कौन है, राकेश। अब इसमें क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोहित एंड पीटर सैलरी। रोहित की सैलरी कितनी है, 20000। पीटर की सैलरी कितनी है, 18000। डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रोहित की सैलरी और पीटर के सैलरी का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस मतलब मैंने आपको कल ही बताया था, सम मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, कोसेंट मतलब डिविजन, डिवाइड। तो 20000 और 18000 का जब डिफरेंस ले रहे हैं, आप बोलोगे सर आंसर आ गया 2000। यानी कि जो रोहित हैं और पीटर के सैलरी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2000 का डिफरेंस है। ये आपको क्लियर हो गया। सेकेंड, इफ राकेश स्पेंड 10000 ऑफ हिज सैलरी, ये राकेश बनता है, ये अपनी 10000 सैलरी स्पेंड कर देता है, ठीक है, एंड सेव द रेस्ट, अब बचाता कितना। अब एक बात बताओ, 12000 सैलरी है और मैं 10000 स्पेंड कर दूं, एक्सपेंडिचर हो गया, तो कितना सेव करूंगा, आप बोलोगे सर 2000। आपके पास 12000 रुपये आपकी सैलरी आती है, ठीक है, अब 12000 सैलरी में से आपने 10000 सैलरी इन्वेस्ट मतलब स्पेंड कर दिया, आपका एक्सपेंडिचर था खर्चा कर दिया, अब बचेंगे कितने, तो आप बोलोगे सर सिर्फ 2000 बच रहे हैं। हाउ मच विल ही सेव इन अ ईयर, तो एक साल में वो कितना बचाएगा। आप बोलोगे सर अगर कोई बंदा मंथली का 2000 सेव कर रहा है तो एक साल में होते हैं 12 ईयर, यानी कि पूरे ईयर में
वो सेव करेगा 24,000, यानी कि पर मंथ का जो उसका इनकम है, मतलब सेव सेव देखो जो बचाते वही इनकम होता है। एक्चुअल में देखा जाए कितना इनकम आ रहा है मैटर नहीं करता, जो बचता है सही मायने में वही इनकम होता है, क्योंकि जो खर्च हो गया वो इनकम नहीं है। तो 24,000 का उसको पूरे ईयर में वो बचा रहा है, यानी कि वही उसका एक्चुअल में इनकम है, बाकी तो खर्च हो गए। तो 24,000 एक साल के बाद उसके पास कितने अमाउंट बचे हुए हैं, तो आप बोलोगे 24,000, वो कितना बचा रहा है साल का 24,000, पर मंथ में 2,000 बचा रहा है, तो एक साल में कितना बचाएगा 24,000। थॉमस की सैलरी इंक्रीज हो गई, आप बोलोगे सर थॉमस की सैलरी थी 16,000, इंक्रीज हो गई मतलब ऐड कर देंगे, कितना ऐड करोगे 2,000, ठीक है 2K ऐड कर देते हैं, पहले 16K था अब 2K ऐड हो गया। आप बोलोगे सर अब उसकी सैलरी 80K हो गई, तो क्वेश्चन क्या है, विच पर्सन सैलरी विल बी इक्वल टू दैट ऑफ थॉमस, तो ऐसा कौन सा बंदा था जिसकी सैलरी अब इसके इक्वल हो जाएगी। अब जैसे मान लो आपकी सैलरी है 16K, आपकी सैलरी की इंक्रीमेंट हो गई 2K की, और आपका सैलरी हो गया 18K, और आपका एक दोस्त है जिसकी सैलरी 18K है, उसका नाम क्या है, आप बोलोगे पीटर, पीटर मेरा दोस्त है जिसका सैलरी कितना है 18K, यानी कि पहले मेरी सैलरी पीटर से 2,000 कम थी, बट अब मेरा इंक्रीमेंट हो गया है, इंक्रीज कर दी गई मेरी सैलरी, और अब मेरी सैलरी किसकी हो गई, मेरे दोस्त पीटर के इक्वल हो गए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो ऑब्जर्वेशन से आते हैं, जितना जल्दी आपका जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है उतना ईजिली आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताना था, ये जो स्टैट्स वगैरह आप करते हैं ना आप लोग, अगर ये आप बहुत ही ध्यान से समझो, ऑब्जर्वेशन अगर आपकी अच्छी होगी, तो अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो डेटा इंटरप्रिटेशन करके एक टॉपिक आता है, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, खासकर बैंकिंग में, जो कि एक अच्छी खासी जॉब है। अगर आप बैंकिंग के लिए कर रहे हो, खासकर मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस के लिए तो वैसे ही बहुत फील्ड है, बट फिर भी साइंस वाले भी अगर सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं आगे चल के, तो उनके लिए बेनिफिट है, बट कॉमर्स वाले लोग के लिए, अगर आप किसी भी बैंकिंग के जॉब में जाना चाहते हो, तो आपको मैथ्स आना चाहिए, कंपलसरी मैथ्स आना चाहिए, कंपलसरी आना ही चाहिए, क्योंकि मैथ्स को बहुत वेटेज दिया जाता है और अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन पूछते हैं, तो उसमें आपको स्टैट्स और ये जो लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं और ये जो टेबल वाले ग्राफ वाले, इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पाई डायग्राम से और ये चार्ट वाले, लाइन ग्राफ वाले, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दें, इसलिए बहुत बेनिफिट होगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आगे चल के एक बैंकिंग के जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये लाइन का ग्राफ है, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर मैं आज का लेक्चर एंड कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया, उसके बाद बाकी बहुत क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क ले रहे हैं। ये एक लाइन ग्राफ है, गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेज रिसीव बाय कीर्ति ड्यूरिंग अ वीक, मतलब एक हफ्ते के अंदर कीर्ति को कितने मैसेज मिलते हैं, टेक्स्ट मैसेज। स्टडी द ग्राफ केयरफुली, और ये ग्राफ को केयरफुली स्टडी करना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नीचे दिए गए उनका आंसर बताना। मंडे को उसके 10 मैसेज मिले टेक्स्ट मैसेज, ट्यूसडे को मिले 15 टेक्स्ट मैसेज, वेडनेसडे को मिले 5 टेक्स्ट मैसेज, थर्सडे को मिले 10, ऐसे ही फ्राइडे को 20, सैटरडे को 30 और संडे को 25। ये सारे नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस हैं कि मंडे को कितने टेक्स्ट मैसेज मिले, किसको, कीर्ति की बात हो रही है, कीर्ति को एक वीक के अंदर मंडे से लेकर सैटरडे तक हर दिन कितने नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेज आए, उनका ये डेटा है। ऑन विच डे, पहली बात तो रुको, इस डेटा से क्या बता सकते हैं, सबसे ज्यादा जो मैसेजेज आए हैं वो किस दिन आए हैं, सैटरडे को, सबसे कम मैसेज किस डे को आए हैं, तो आप बोलोगे वेनसडे को, ठीक है। अब देखो, ऑन विच डे, किस दिन डिड कीर्ति रिसीव द लोवेस्ट नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेज, किस दिन उसे लोवेस्ट नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेज मिले थे, तो आप बोलोगे वेडनेसडे को, वेडनेसडे एक ऐसा डे है जिस डे को सबसे मिनिमम लोवेस्ट मैसेज उसको आए थे, वो कब था, वेडनेसडे को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच डे, किस डे कीर्ति रिसीव एग्जैक्टली 20 टेक्स्ट मैसेजेस, तो एग्जैक्टली 20 मैसेजेस मिले थे, ऐसा कौन सा डे था, तो आप क्या करोगे 20 पे ऐसे एक लाइन करोगे और इसको इंटरसेक्ट कर दोगे, आप बोलोगे सर ये फ्राइडे पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो फ्राइडे को, ये फ्राइडे है जिस डे में 20 टेक्स्ट मैसेजेस आए थे, किसको, कीर्ति को। सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेज रिसीव बाय कीर्ति इन दिस वीक, इस हफ्ते के अंदर उसको टोटल नंबर ऑफ कितने मैसेजेस आए। आप बोलोगे सर हर एक डेज के जितने मैसेजेस सबको ऐड कर दें, 10 + 15 = 25 20 + 5 = 30 30 + 10 = 40 40 + 20 = 60 60 + 30 = 90 और 90 + 25 = 115। तो टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस कितने आए, तो आप बोलोगे 115। क्यों? क्योंकि टोटल ऐड कर दिए, तो 10 + 15 = 25 30 40 60 90 और ये 25 = 115। तो टोटल इन दिस वीक जो मैसेजेस आए थे किसको, कीर्ति को, वो कितने थे टोटल, 150। तो 150 मैसेजेस आए थे कीर्ति को इन दिस वीक। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस को किए जाते हैं, किस तरीके से पाई चार्ट या पाई डायग्राम को क्वेश्चन को किए जाते हैं और किस तरीके से बार ग्राफ के क्वेश्चंस को किए जाते हैं, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें से वो क्वेश्चन जो थोड़ा अलग है, जिसकी लॉजिक अलग है, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीक में दूंगा और जो क्वेश्चन इजी है वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो अपने बुक में नोट डाउन करने हैं। और एक चीज़, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है और वो मेरे सारे लेक्चर्स को ले रहा है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होके, उसका जो एडमिन रहेगा तो मैं खुद ही हूँ, वहाँ से आप नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हो, जो सारे लेक्चर ले रहा है और जिसकी राइटिंग वगैरह, अब वो सारे पॉइंट को नोट डाउन कर रहा है, होमवर्क को, जो डेफिनेशन है, जो एग्जांपल्स है, जो डायग्राम है, हर एक चीज़ को नोट डाउन कर रहा है और राइटिंग भी उसकी अच्छी होनी चाहिए और जो सारे राइट आंसर लिखता है, ऐसा नहीं कि रॉन्ग। तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो ताकि जब आप नोट्स लिख रहे हो, जैसे एक टॉपिक कवर हो जाएगा तो आप मुझे उसका PDF बना के सेंड कर देना, कोई भी जो एकदम अच्छे से लिख रहा है और सारे लेक्चर दे रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। देखो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है। पहला क्वेश्चन है जो कि बार ग्राफ का है, सेकेंड क्वेश्चन है जो कि पाई चार्ट का है, थर्ड क्वेश्चन ये किससे रिलेटेड है, टेबल शो द नंबर ऑफ मार्क्स, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर सकते हो तुम लोग। ये भी डिफरेंस है, डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये असेसमेंट टेस्ट के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बार लेंथ पे, सेकंड क्वेश्चन पाई चार्ट पे, थर्ड क्वेश्चन ये भी बार ग्राफ का है, फोर्थ क्वेश्चन ये पाई चार्ट का है और ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक, यानी कि अब तक हमने बेसिक चीज़ें समझी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के डेटा क्या होते हैं, किस तरीके से डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के हमने डायग्राम और ग्राफ्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे अपना मेन टॉपिक, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे, उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद से हम हमारा जो मेन टॉपिक है मीन, मीडियन, मॉड, वो सब हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था पहले लेक्चर में कि कौन कौन से टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दूंगा कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो हमको डिस्कस करना, उसके बाद से हम मेन टॉपिक अपना स्टार्ट कर देंगे, जो कि कॉमर्स वाले को अभी है, साइंस वाले लोग को ये अभी बेसिक हम बिल्ड कर रहे हैं, इसके बाद हम जब पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्योंकि इसमें से बहुत सारे टॉपिक आपका 10th में हो चुका है, इसके लिए उन्होंने 11th में डायरेक्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन से स्टार्ट किया। बट कॉमर्स वाले लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमर्स वालों को पार्टीशन वैल्यू ये सब 11th में है,
बाकी साइंस वाले लोग को डायरेक्ट दे दिया है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, बट हम बेसिक से लेके चल रहे हैं क्योंकि जे डबल ई के लिए हमें प्रिपेयर करना है, तो हर चीज़ को बेसिक से सिस्टमेटिक, ताकि हमें सी एस ई पी टी का एग्ज़ाम हो कॉमर्स वाले लोग के लिए या साइंस वाले लोग के लिए, क्योंकि लगभग पैटर्न वगैरह सेम होता है, सिर्फ लेवल का डिफरेंस होता है और कॉमर्स वाले को कुछ स्टैट्स के पार्ट ज़्यादा होते हैं और साइंस को साइंस वाले पार्ट, बट सारे टॉपिक को हम बैलेंस करके चलेंगे। अब अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखो बेसिक चीज़ें, बेसिक चीज़ें जितनी हैं ना वो सबको पढ़ना, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे ना वहाँ पे आप क्या कर सकते हो अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि जैसे अगर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ जे डबल ई के क्वेश्चन रहे तो वहाँ पे कॉमर्स वाले अवॉइड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप हैं जहाँ पे मैं कॉमर्स वाले का सेलेक्ट करूँगा जैसे कि सी ए और सी पी टी के क्वेश्चन, तो वहाँ पे साइंस वाले इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हम कर रहे हैं वो सबको कंपलसरी लेना, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो। जिस जिस टॉपिक को नहीं करना मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।